तो कैसे हैं फ्रेंड आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का मैप वर्क, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका पास में है। और हिस्ट्री का मैप हम लोग आज करेंगे, क्योंकि क्लास टेंथ के हिस्ट्री में चार चैप्टर आपको पढ़ना है। और उन चार चैप्टर में अगर किसी चैप्टर से मैप आता है तो वह है चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में आपको 1 to 10 यानी कि लगभग 10 आपको मैप करना है। और 10 मैप में जानेंगे हम लोग कि मैप का मैप मीन्स लोकेशन, और इसके साथ कुछ 1 मार्क क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, कब हुआ और क्यों हुआ। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, क्योंकि बार बार कभी कभी डेट आता है 1 मार्क करके आपको, और 1 मार्क में डेट आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में। मैप वर्क करने से पहले आपको एक चीज डिस्कस करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेस दिए हुए हैं। ए डिफरेंट प्लेस किस स्टेट में लोकेट है। चंपारण का मीन्स वेल नोन, हम लोग जानते हैं अच्छा से कि चंपारण जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और अभी वो 2 पार्ट में बढ़ चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। सो डिस्कस करेंगे कि 1917 चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला कोई मूवमेंट था इंडिया आने के बाद। गांधी जी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि इंडिया गांधी जी कब आए थे। सो 1915 में गांधी जी आए थे, और गांधी जी के इंडिया आने के बाद एक पहला मूवमेंट था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा गांधी जी के पॉलिटिकल व्यू से। हम देखेंगे गांधी जी के पॉलिटिकल कैरियर व्यू से देखेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे चंपारण, चंपारण बिहार, दिस पार्ट इज बिहार, और बिहार के किस पार्ट में लाइज करता है। बिहार इतना बड़ा है, बिहार इंडिया का 13th लार्जेस्ट स्टेट है ड्यू टू एरिया। सो ये बिहार के उस पार्ट में लाइज करता है जहां बिहार नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दिस वन इज नेपाल, ठीक है। और बिहार जो है कहां पर, दिस पार्ट में, यहां पर आपका चंपारण आपको लोकेट करना है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था 1917 में। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आपका चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922। ये चौरी चौरा कहाँ है, या चौरी चौरा का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यहाँ पर क्या हुआ था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चौरी चौरा अगर आप मैप में जनरली सर्च करने चाहोगे तो चौरी चौरा नहीं मिलेगा, आपको मैप में लोकेट करना पड़ेगा गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में एक प्लेस है चौरी चौरा। और हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी में अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है कि चौरी चौरा ही वो इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। अलग बात है गांधी जी से जब पूछा गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने क्यों कॉल ऑफ किया, तो उन्होंने एक अलग एक्सक्यूज दिया कि नहीं, हमारे जो वॉलंटियर्स थे, जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, वो वेल ट्रेंड नहीं थे, तो हम लोग इनको अच्छा से ट्रेन करके नेक्स्ट मूवमेंट के लिए लाएंगे। सो चौरी चौरा मूवमेंट क्या था, इंसिडेंट क्या था, तो चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है जहां पर एक तरह की मोब थी, रिवोल्ट कर रही थी, रिवोल्ट अचानक मोब जो थी वो एग्रेसिव हो गई, और एग्रेसिव होने के बाद वहां के 21 पुलिस ऑफिसर के साथ जो 1 SI हम लोग बोलेंगे, उनको जिंदा जला दी थी एक पुलिस स्टेशन में। और जब गांधी जी को ये बात पता चली कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है, वायलेंस हुआ है, सो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। देखिए एक पॉइंट ऐसा नहीं कि मैं गांधी जी का बहुत बड़े गांधी जी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। सो एक्सट्रीमिस्ट हमेशा ये बोलते आ रहे हैं कि जब मूवमेंट पीक पे रहता था तो गांधी जी कॉल ऑफ कर देते थे मूवमेंट को। सो वो अलग पॉइंट है, बस हम लोग डिस्कस करेंगे। हम चंपारण यहाँ पे कर चुके बिहार में, और चौरी चौरा यानी कि उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कहाँ पे लोकेट है तो हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश में लोकेट है, और इन दैट पार्ट चौरी चौरा लोकेटेड। सो 2 मैप हम लोग फिनिश कर लिए, चंपारण और चौरी चौरा। थर्ड मैप वर्क जो है खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह 1917। खेड़ा वही फर्स्ट आपको लोकेट करना पड़ेगा कि स्टेट कौन सा। खेड़ा गुजरात में लाइज करता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह 1917, पीजेंट्स का मीन्स क्या होता है, पीजेंट्स का मीन्स होता है पुअर फार्मर, लैंडलेस फार्मर या पुअर फार्मर जिसके पास कम लैंड होता हो, ठीक है। और 1917 में खेड़ा पीजेंट्स ये मूवमेंट क्यों किया गया, रीजन क्या था इसका, तो 1917 में क्रॉप्स फेल हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एपिडेमिक वहां पे लाइज कर रहे थे। क्रॉप्स फेल होने के बाद अगर आप टैक्स इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कि पीजेंट्स जो है रिवोल्ट पे आएंगे, और पीजेंट्स डायरेक्टली अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
1917 पिजन सत्याग्रह था, ये वही सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी को आकर के ज्वाइन करते हैं हमारे कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, अब हम आते हैं इसके लोकेशन पे कि खेड़ा को हम कहाँ लोकेट करेंगे। खेड़ा यानी कि तीन, यहाँ देख लीजिए, गुजरात इस चैप्टर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेड़ा। तो ये लोअर बाउंड्री जो मध्य प्रदेश का आपको दिख रहा है इसके जस्ट सामने में आपको खेड़ा लोकेट करना है, यहाँ पर खेड़ा करना है। दिस वन इज गोरखपुर, थोड़ा सा बड़ा डॉट करोगे आप, और दिस वन इज चंपारण, बड़ा डॉट करोगे, ठीक है, ताकि इजिली विजिबल हो। खेड़ा किस चीज के लिए था? खेड़ा पिजेंट सत्याग्रह था, यानी पिजेंट रिवोल्ट कर रहे थे टैक्स जो इंक्रीज हुआ था उसको लेकर के। बारदोली सत्याग्रह, नो टैक्स कैंपेन, 1928। बारदोली का भी स्टेट अगर फाइंड आउट करना चाहे हम लोग, तो बारदोली का स्टेट क्या है? बारदोली भी ऑलरेडी लाइज करता है गुजरात में। और बारदोली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि नो टैक्स कैंपेन कहाँ लॉन्च किया गया था? तो बारदोली में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। सो आते हैं हम इसके लोकेशन पे, बारदोली गुजरात के लोअर पार्ट में लाइज करता है, इन दैट पार्ट बारदोली इज लोकेटेड। और बारदोली मूवमेंट, गांधी जी भी इस मूवमेंट में थे बट लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि लोकल पीजेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी प्रोफेशन से क्या थे, एक लॉयर थे, गांधी जी भी लॉयर थे। सो दोनों की एक कॉमन थिंकिंग थी और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। 1928 में नो टैक्स कैंपेन था बारदोली सत्याग्रह में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर पिजन सत्याग्रह था, जितना भी मूवमेंट था वो पिजन लोगों के लिए मूवमेंट था। और नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, यानी कि अब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग पिजन से अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो कॉटन मिल वर्कर्स का क्या प्रॉब्लम था, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते कि अहमदाबाद का उस टाइम क्या इंपॉर्टेंस था। अगर आप क्लास किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद इज नोन एज ऑल्सो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऑल्सो आई विल एड बिकॉज अहमदाबाद के साथ मुंबई को भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था। मैनचेस्टर का मीन्स, मैनचेस्टर को किस चीज के लिए सिम्बलाइज किया जाता था? मैनचेस्टर को उसके कॉटन प्रोडक्शन के लिए सिम्बलाइज किया जाता था। मैनचेस्टर एक सिटी था इंग्लैंड में और वो ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन क्लोथ प्रोडक्शन करता था अहमदाबाद में और मुंबई में। जानते हैं हम लोग कि अहमदाबाद और मुंबई दोनों जगहों पर ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल सेटअप किया, और फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप किए थे इस पार्ट में, मुंबई में 1854 में, एंड सेकेंड कॉटन मिल 1861 में अहमदाबाद में सेटअप किए थे। सो कॉटन मिल वर्कर का मेन प्रॉब्लम क्या था कि इनसे जो वर्किंग आवर था इनका काफी ज्यादा था और जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था, वेजेस भी इनको प्रॉपर नहीं मिलता था। सो इन पिजेंट्स के लिए महात्मा गांधी ने, इन पिजेंट्स के बाद वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मूवमेंट किया। ये मूवमेंट भी काफी सक्सेसफुल रहा, अभी तक गांधी जी ने जितना मूवमेंट किया था काफी सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद हम आते हैं सितंबर सेशन ऑफ आईएनसी 1920 एंड दिसंबर सेशन नागपुर। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईएनसी का मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, 1885 में फॉर्म हुई थी। ह्यूम और डब्ल्यूसी बनर्जी इसको फॉर्म किए थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका कि 1920 कांग्रेस जनरली पूरे ईयर में एक वन सेशन करते थे, लेकिन 1920 एक ऐसा टाइम था जिस टाइम कांग्रेस ने दो सेशन किया, एक कलकत्ता में प्रेजेंट डे कोलकाता और एक नागपुर में। सो कोलकाता सेशन और नागपुर सेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? कोलकाता उसका, जिसको हम लोग कलकत्ता कहेंगे, उसका जनरल सेशन था कांग्रेस का, बट वो कौन सी इमरजेंसी आ गई जिस टाइम में नागपुर में उनको फिर से सेशन करना पड़ा, वो भी 1920 में ही। इसका मेजर रीजन था कि रिवोल्ट हो रहे थे हर जगह पे, और इस रिवोल्ट को लेकर के लीडिंग कैसे इसको लीड करना है इस चीज को डिस्कस किया जा रहा था। दिसंबर नागपुर, ये दिसंबर सेशन ही था जिसके बाद कांग्रेस ने एडॉप्ट कर ली किस चीज को? कांग्रेस ने एडॉप्ट कर ली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। किस सेशन में? दिसंबर सेशन में। सो अभी हम लोकेट करेंगे कोलकाता को, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, इन दैट पार्ट कोलकाता इज लोकेटेड। एंड नेक्स्ट वन इज नागपुर। सो नागपुर को लोकेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में जहां पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों कॉमन पार्ट होते हैं, वहां पर नागपुर लोकेट होता है। नागपुर इज दैट पार्ट, नागपुर, एंड दिस वन इज कलकत्ता, दिस वन इज कलकत्ता, ठीक है, दिस वन इज नागपुर।
इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे जालियांवाला बाग मैसर्स 13 अप्रैल 1919। ये जालियांवाला बाग मैसर्स क्या था, तो इसको हम लोग एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम लोग इसके लोकेशन को लेकर के देख लेंगे। जालियांवाला बाग मैसर्स कहाँ हुआ था? अमृतसर, अमृतसर यानी पंजाब, अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग मैसर्स हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसर्स हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को कहा? अमृतसर, अमृतसर यानी पंजाब, ठीक है। तो अमृतसर, दिस पार्ट इज अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट, आईएनसी सेशन इन 1927 मद्रास, मद्रास में प्रेजेंट डे चेन्नई हम लोग बोलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन किया था 1927 में, कहां पर? चेन्नई में। सो चेन्नई जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जहां पे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, कोस्टल रीजन है चेन्नई, क्योंकि तमिलनाडु का कैपिटल भी है। और 1927 में चेन्नई में, चेन्नई यानी कि मद्रास में एक सेशन किए थे। कब? 1927 में, ठीक है। चेन्नई मद्रास में सेशन किए थे। और इस सेशन का मेन व्यू जो था, किस लिए सेशन हुआ था? सो साइमन कमीशन को अपोज करना था। और हम लोग वेल नोन है कि साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या था। सो जो 7 मेंबर बनी हुई थी रिवॉल्ट को देखने के लिए कि इंडिया में इतने क्यों रिवॉल्ट हो रहा है, उन 7 मेंबर में 7 का 7 जो थे वो क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियंस नहीं थे। और इंडियंस की डिमांड थी कि इस मेंबर में चाहिए। दांडी मार्च सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1932 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च, डांडी मार्च को हम लोग किस चीज के लिए सिम्बलाइज करते हैं? तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था डांडी। डांडी मीन्स एक कोस्टल सिटी है, कहां पर? गुजरात में। और यहीं पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। गांधी जी यहाँ पे क्या किए थे? डांडी में ही सॉल्ट लॉ ब्रेक किए थे, ठीक है। डांडी में क्या किए थे? सॉल्ट लॉ ब्रेक किए हुए थे, ठीक है। दिस वन इज खेड़ा एंड दिस वन इज बारदोली, ठीक है। मद्रास, खेड़ा, बारदोली और एक अहमदाबाद है। अहमदाबाद किस चीज के लिए सिम्बलाइज करते थे हम लोग? अहमदाबाद सिम्बलाइज करते थे मिल वर्कर्स के मूवमेंट्स के लिए, मिल वर्कर्स के मूवमेंट के लिए, जिसको अहमदाबाद, खेड़ा एंड दिस पार्टी बारदोली एंड दिस पार्टी डांडी। डांडी यानी कि सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था वो अलग बात है, इसके लिए अलग से आपको वीडियो दी जाएगी जिसमें कि आपको सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबको समझाया जाएगा। बट आप जानो कि डांडी वही प्लेस है जो कोस्टल रीजन लाइज करता है गुजरात में, और यहीं पर सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज, क्योंकि आज 26 जनवरी है और हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में, लाहौर जो कि उस टाइम का इंडिया ही था बट प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लाइज करते, काफी खूबसूरत सिटी है वो। लाहौर में 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मीन्स कि अब उनको पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए, जबकि इससे पहले किसी भी सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया था कि पूरी तरह से उनको फ्रीडम चाहिए। और इस सेशन को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर जो कि, लाहौर कहां पर है? रावी रिवर के बैंक पे है, ट्रिब्यूटरीज है रावी रिवर के बैंक पे। और ये पहला रीजन था 26 जनवरी 1929, ये पहला डेट था जिस टाइम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। सो अमृतसर के जस्ट आप स्टेट लाइन में ही ड्रॉ कर लोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस दोगे पाकिस्तान में लाहौर, ठीक है। ये लाहौर हो गया आपका, ये अमृतसर हो गया, थोड़ा सा आप बड़ा डॉट बनाओ, ठीक है, ताकि इजिली विजिबल हो। सो आपको 1 to 10 आपका मैप वर्क खत्म करने की कोशिश किया है मैंने। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और आप इसको अपने, आपके प्रॉब्लम जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा। और जो भी आपको एसएसटी से रिलेटेड टॉपिक है या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या आप चाह रहे हैं कि आप मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमको कमेंट करके सजेस्ट करें। और ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलता रहे ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू।